आप भी जब अपनी बेटी का विवाह कर लो, आप भी जब अपने बेटी का विवाह कर लो, तो बेटी और बेटी का विवाह हो गया, वो अपने घर में सुखी और स्वस्थ हैं। अब आप दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी दोनों भगवान में मन लगाओ। बेटा बेटी को अपने आनंद में रहने दो। आपका कर्तव्य है कि जब आपका बेटा समझदार हो गया है, विवाह आपने कर दिया, तो आप अपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारी देकर, बेटा ये दुकान तुम्हें संभालना है, ये फैक्ट्री तुम्हें संभालना है, ये खेत खलिहान तुम्हें संभालना है, अब हम चले तीर्थ यात्रा में। दोनों को 15 दिन के लिए जगन्नाथपुरी, 15 दिन के लिए वृंदावन। जो जो जीवन में आपने पैसा कमाया है, वो सारा पैसा बच्चों को मत देना, कुछ बच्चों को देना, कुछ अपने बुढ़ापे की तीर्थ यात्रा के लिए बचा कर रखना। नहीं तो तीर्थ यात्रा कैसे करोगे, किराया कौन देगा? तो बचा के रखना चाहिए, ताकि आप अपना बचा हुआ बुढ़ापा भगवान के शरण में गुजार सकें। और आप जब घर से दूर रहेंगे तो इसके ये फायदे होंगे कि बच्चों को जिम्मेदारी पता चलेगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। एक बात बताऊं, घर में जब तक पिता होता है तब तक बच्चों को यही लगता है, यार पापा तो हैं, पिता तो है, वो करेंगे ना, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। और जब पिता नहीं होता तो फिर कहते हैं ना, होने का आसरा लगता है, हैं तो उम्मीद होती, ना होगा तो उम्मीद काहे की होगी। इसीलिए माता पिता को बेटों का परीक्षण करना चाहिए। कुम्हार घड़ा बनाता है, आप घड़ा खरीदते हैं तो घड़ा खरीदने के पहले परीक्षण करते हैं कि नहीं, कच्चा है कि पक्का, ठोक ठोक के। तो आपने भी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, जरा उसे भी देखो, परीक्षण करो कि तुम्हारा बच्चा कच्चा है कि पक्का। कच्चा है तो पकाओ, और पक गया तो फिर उसे आजाद छोड़ दो, वो अपने संस्कार और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। संस्कार की बेड़ियों में बस बंधा रहे, आप संस्कार पहले ही दे देना। वो दुकान चलाए, एक दुकान पिता ने 1,00,000 रुपए दिया और बेटे ने 1,00,000 से 10,00,000 कर लिया, 10,00,000 से 50,00,000 बढ़ाता गया। योग बेटा 1 रुपए को 50 रुपए बना देता है, और नालायक बेटा तो 100 रुपए को 1 रुपए कर देता है, एक भी नहीं मिलता वापस। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बेटा लायक है या नालायक है, कच्चा है कि पक्का? तब ही तो पता चलेगा जब तुम छोड़कर जाओगे 1-2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा, और जब लौट कर जाओगे तो पता चल जाएगा कि दुकान में उसने क्या हाल किया है, बढ़ाया है कि घटाया है। आपको फिर संतुष्टि होगी, चलो मेरा बेटा खड़ा हो गया पांव में, समझदार हो गया, अब आपकी जिम्मेदारियां और आप निवृत्त हो जाएंगे, आपका मन भगवान में लगने लगेगा। आज हम बूढ़ों को देखते हैं, बच्चों को दुकान में नहीं बैठने देते, अरे तेरा बाप है अभी, हम तो हैं, हम जाएंगे। बच्चे घर में खटिया तोड़ रहे हैं जवान जवान, और बूढ़े दुकान चला रहे हैं। और बूढ़ों को भी बच्चों पे, सच्ची बताऊं, आज ना बाप को अपने बेटे पे भरोसा नहीं है। बाप कहता है हमारा बेटा दुकान चला ना पाएगा, हिसाब किताब। अरे क्यों नहीं चला पाएगा? जिम्मेदारी दोगे तब तो सीखेगा, तुमने सीखने का मौका ही तो नहीं दिया, इसलिए तो निकम्मा हो गया, निकम्मा हो गया। 30 साल का तुम्हारा बेटा है और तुम दुकान में उसे काम पे नहीं लगाते हो, तुम काम नहीं सिखाते हो, तो क्या होगा? घर में बैठा बैठा गलत संगत करेगा, फिर शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, फिर रोगे, महाराज बेटा बिगड़ गया, सही समय पे क्यों नहीं जिम्मेदारियां दे दी? दे दी होती तो ये दुर्दशा ना होती। सही समय पे सही निर्णय लेना चाहिए, गलत निर्णय होगा तो जीवन भर रोने के अतिरिक्त हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं। खासकर बच्चों को लेकर कभी गलत निर्णय ना हो जाए आपसे, नहीं तो नुकसान होता है। आपके माना कि 4 बेटे हैं,
चार बेटे हैं तो चार बेटे हैं और एक दुकान है। एक पिता के पास एक दुकान थी और उसके चार बेटे थे। चारों का विवाह हो गया, चारों बड़े हो गए, समझदार हो गए। अब एक दुकान है, बताओ चार को कैसे बांटेगा। मैं तरीका बताता हूं। जिस पिता के पास प्रॉपर्टी कम है, संतान ज्यादा है, उस पिता का पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने बेटों को योग्य बनाए। बेटा तुम अपने बाप पर भी निर्भर ना रहो, अपना कमाओ खाओ। ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो तो आप ऐसा करो कि एक महीने तक एक बेटा दुकान चलाएगा, एक महीने तक दूसरा, एक महीने तीसरा, एक चार बेटे हैं तो एक एक महीने के लिए दुकान। यदि आपकी दुकान बढ़िया चलती है, मार्केट में है और दुकान एक है, और कोशिश करिए कि आप चारों को दे सकें, ना दे सकें तो बेटों को योग्यता तो दे दी ना, पढ़ा लिखा दिया। बेटे अपने से दुकान बनाए, बाप की दुकान पे तुम क्यों नियत डुला रहे हो। बाप ने अपनी मेहनत से बनाई है, अब जरा तुम भी अपनी मेहनत से बना कर दिखाओ। नहीं तो फिर बंटवारा एक एक महीने के करो, नहीं तो 15-15 दिन के करो, नहीं तो एक एक साल का, जो आपको सुविधाजनक हो वैसा करो। परंतु सुखी रहने के लिए आपका समझदार होना और जीवन में सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। सबसे जरूरी है संस्कार। बच्चे बड़े हो गए, संस्कार देके उन्हें उनके पांव में खड़ा होने का एक अवसर दिया जाए।